आज हम बनाएंगे ककड़ी की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही टेस्टी है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तृष्टिका किचन्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा केजी फ्रेश ककड़ी ली है और इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके सूती कपड़े से साफ़ कर लिया और इस तरीके से लंबे साइज़ में मैंने कटिंग कर ली है। और ककड़ी को टेस्ट कर लेना, कई बार ककड़ी कड़वी होती है इसलिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे दही। तो 2 चम्मच हम दही डालेंगे इस सब्ज़ी के अंदर। दही से इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ में एक चीज़ और मिलाएंगे, वो है बेसन। जो 1 चम्मच हम बेसन मिलाएंगे, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो 1/2 चम्मच मैंने हल्दी डाली है और 1 चम्मच नमक डाला है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर। अब हम 1 चम्मच लेंगे और इन सभी को हम ककड़ी के साथ मिला देंगे। इस सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखिए। तो हम इनको सबको मिलाएंगे और अब इस पर ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें डाला 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल। तेल गर्म होने पर डालेंगे 1 चम्मच जीरा, छोटा सा तेज पत्ता, आधी चम्मच के करीब सौंफ डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 टमाटर कटा हुआ, 1 हरी मिर्च कटी हुई और 1 प्याज कटा हुआ और इन सब मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। मसालों को तब तक भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। और इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच मिर्च डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड किया है क्योंकि नमक हमने ककड़ी में पहले ही ऐड कर दिया था, और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है, मसाला पक चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे ककड़ी। ककड़ी को भी 10 मिनट हो गए हैं। ककड़ी का इस तरीके से सब मसाला मिलाकर छोड़ने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सब्ज़ी के अंदर। तो अब हम इनको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे। गैस की आंच मीडियम फ्लेम पे रखनी है हमारे को और अच्छे से मिला देंगे इसको और 5 मिनट तक इसको पकने देंगे बिना ढक्कन के। अब 5 मिनट बाद देखते हैं चम्मच से। तब इसमें हम डालेंगे क्रिश करके पान में थी। और थोड़ा धनिया डाल देते हैं, हरा धनिया। और इसको वापस से मिला देंगे। लगभग सब्ज़ी बन गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला,
गरम मसाले से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी के अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी बन गई है। यहाँ पर हम इस तरीके से देखेंगे कि कच्ची नहीं है, नहीं अच्छे से बन गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।